बरसात के मौसम में दोस्तों किसे पकौड़ी खाना पसंद नहीं है, तो इसीलिए आज दोस्तों लेकर के आई हूँ आप लोग के लिए मिर्च के पकौड़ी बनाने का रेसिपी। दोस्तों अगर इस तरीके से एक बार बनाकर खा लेंगे तो कचौड़ी पकौड़ी समोसा खाना सारा भूल जाएंगे दोस्तों। इतना सुपर टेस्टी ये पकौड़ी बन करके तैयार होगा और इन्हें बनाना बहुत आसान है दोस्तों, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। अगर अच्छी लगेगी आज की हमारी रेसिपी आप लोग को तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आइकन जरूर दबाइएगा। जब सबसे पहले मैं वीडियो डालूं तो आप लोग के पास में जाए और सबसे पहले आप लोग वीडियो का फायदा उठा सके दोस्तों। और मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोग कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती होगी तो ढेर सारा अपने फैमिली में दोस्तों में शेयर करिएगा। और दोस्तों इन्हें बनाकर मसाला भी बताऊंगी जी, इसका मसाला कैसे बनाया जाता है तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर इस तरीके से बरसात के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़ी मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है लालसा किचन में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं मिर्च रखी हूँ, जो ये बड़ा साइज का मिर्च आता है ये ज़्यादा तीखा नहीं रहता है दोस्तों, तो यही मैं रखी हूँ। तो यहाँ पर मैं 250 ग्राम मिर्च रखी हूँ, अच्छा से धो ली हूँ सबसे पहले। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चीरा लगाएंगे इस तरीके से। देखिए चक्कू ले लेंगे और बीच में इन्हें चीरा लगाएंगे। इसमें ज़्यादा बीज नहीं होता है दोस्तों, इनका जो डंठल है उसी के पास में थोड़ा सा होता है, तो इन्हें निकाल भी सकते हैं नहीं तो इसी तरीके से बना भी सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपकी मर्जी है, निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, नहीं तो इसी तरीके से बना सकते हैं। अब इसी तरीके से हम सारा मिर्च में चीरा लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर ज़्यादा कोई भी मिर्च में आप चीरा लगाएंगे तो बीज नहीं मिलेगा। मिर्च में मैं बीज चीरा लगा करके रख दी हूँ। अब यहाँ पर मैं दोस्तों 5 से 6 आलू उबला हुआ रखी हूँ, तो सबसे पहले इनका हम मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कढ़ाई गर्म होने के लिए रखी हूँ और 2 चम्मच हम तेल डाल देंगे और इसी में हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा हल्का ये चटकने लगेगा जीरा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आलू रखे हैं उबला हुआ तो इसी में हम फोड़ कर हाथ से डाल देंगे। देखिए इस तरीके से एकदम दोस्तों ये सिंपल तरीके से मैं बनाकर बतला रही हूँ और दोस्तों ये खाने में एकदम सुपर टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर देखिए सारा आलू फोड़ के मैं डाल दी हूँ। अब इन्हें हम छोलनी से क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर पापाटो जो मैसर होता है उससे हम यहाँ पर मिक्स करेंगे। देखिए इस तरीके से महीन कर लेना है हमें आराम से, जो अच्छा से इसमें गुठलियाँ कोई भी ना रहे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं महीन कर रही हूँ। अगर आप कढ़ाई में नहीं करना चाहते हैं तो थाली में कर ही कढ़ाई में मसाला आप तैयार करिएगा। अब यहाँ पर हम कुछ सूखा हुआ मसाला डालेंगे, तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाली हूँ और थोड़ा सा नाम मात्रा में लाल मिर्च का पाउडर डाली हूँ, क्योंकि मिर्चा का हम पकौड़ी बना रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा डाली हूँ। और थोड़ा सा जीरा धनिया का पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा मैं डाली हूँ 1 चुटकी से 2 चुटकी गरम मसाला। अब यहाँ पर चटपटा बनाने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर डाली हूँ 1 चम्मच भर करके अमचूर पाउडर, इससे बहुत सुपर टेस्टी और खट्टा लगेगा। और इसी में मैं डाल दी हूँ दोस्तों 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच सौंफ के कूटा हुआ दरदरा कूटा हुआ है और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इन्हें निकाल करके मैं थाली में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। तब तक हम यहाँ पर बेसन के घोल तैयार करेंगे। यहाँ पर मिर्च के हिसाब से यहाँ पर बेसन रखना है दोस्तों। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और लास्ट में थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे। यहाँ पर दोस्तों मिर्च और धनिया पाउडर जीरा पाउडर नहीं डालना है हमें, सिर्फ हल्दी और नमक डालना है। अब यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, पानी डाल देंगे और अच्छा से इनका हम घोल गाढ़ा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें पतला घोल नहीं चाहिए, इस तरीके से जैसे हम बुनिया बनाते हैं उस तरीके से ये घोल तैयार करना होता है दोस्तों, तभी हमारा मिर्च में ये बेसन सटेगा। अगर आप पानी जैसा बना देंगे तो इसका बेसन जो होता है वो नहीं सटता है मिर्च में। तो यहाँ पर देखिए हमारा मसाला भी ठंडा हो गया दोस्तों, मैं नमक डालना नहीं बताई थी, नमक भी मैं पहले ही डाल दी हूँ। और यहाँ पर देखिए अच्छा से ठंडा हो गया, तो क्या करेंगे एक मिर्च ले लेंगे और इस तरीके से हम हाथ से इन्हें फैला करके इन्हें भरेंगे, जैसे भरुआ हम भरते हैं उस तरीके से भरना है दोस्तों। एक बार ये मसाला आप लोग चेक करके और चेक कर लीजिएगा नमक, अगर नमक कम होगा तो आप ऊपर से भी डाल सकते हैं इसी में, और नहीं बराबर होगा तो इस तरीके से आप भर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कोना कोना में अच्छा से हम मसाला ये भरेंगे दोस्तों। ये बनाना बहुत आसान है, तो इस बरसात के मौसम में इस तरीके से ये पकौड़ी बनाकर आप लोग एक बार जरूर खाइएगा और मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोग कैसी लगी है ये पकौड़ी का। यहाँ पर देखिए अच्छा से मैं मसाला भर दी हूँ
और यहाँ पर हम हल्का दबा देंगे इन्हें, जैसे मर्चा था उस शेप में कर देंगे। और यहाँ पर देखिए एक मर्चा हमारा तैयार हो गया है। अब इसी तरीके से हम सारा भर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सारा मैं भर ली हूँ इसी तरीके से। और यहाँ पर हम तेल रखे हैं गर्म होने के लिए। तो क्या करेंगे, गर्म जब तक हो रहा है तेल अच्छा से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बेसन है इसी में एक मिर्च डालेंगे और इस तरीके से चम्मच से हम अच्छा से मिर्च को हम कोट करेंगे। देखिए अच्छा से जब लपटा जाएगा बेसन तो हम कढ़ाई में डाल देंगे ये। अब यहाँ पर हम अलट पलट करके अच्छा से इन्हें हम फ्राई करेंगे। दोस्तों इन्हें ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना है, नहीं तो देखने में अच्छा नहीं लगता है और खाने में टेस्टी नहीं लगता है। तो इन्हें हल्का एक गोल्डन होने लगेगा तो यहाँ पर हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे एक मर्चा का पकौड़ी बन करके तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हम सारा फ्राई कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हम सारा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर एक दो आप डाल करके फ्राई कर सकते हैं दोस्तों। इससे ज़्यादा कढ़ाई में डालेंगे तो ये सट जाएगा आपस में, तो ये अच्छा नहीं लगता है देखने में और खाने में भी। यहाँ पर देखिए सारा मैं इसी तरीके से फ्राई कर ली हूँ। देखिए अच्छा से ये फ्राई हो गया है दोस्तों पकौड़ी हमारा। और इन्हें बनाना देखिए कितना आसान है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग भी बनाइएगा ज़रूर। अगर अच्छी लगेगी वीडियो मेरी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारा फैमिली में दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम काट कर भी आप लोग से दिखाती हूँ। एक पकौड़ी ले लेंगे और इस तरीके से हम चाकू से आराम से काट लेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा से मिर्च में एकदम भरा हुआ हमारा स्टफिंग है। और इन्हें देखिए बनाना कितना आसान है दोस्तों, कोई भी मेहनत नहीं है, ना ही ज़्यादा झंझट है। और यहाँ पर मैं बनाई हूँ धनिया और टमाटर का चटनी दोस्तों, तो इसी के साथ में हम खाएंगे। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, हमारा पकौड़ी बन करके तैयार है दोस्तों। तो देखा आपने कितना आसान तरीका है बरसात के मौसम में दोस्तों, इसी तरीके से बनाइए और खाइए और मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ।